डॉक्टर प्रकाश चंचारी हूँ, मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरा मेन काम जो है वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या पेसमेकर और जितनी भी दिल की बीमारियाँ होती हैं मैं उसका इलाज करता हूँ। एंजाइना की परेशानी से बचने के लिए हमें कई उपाय करने चाहिए। बेसिकली ये वसा का जमाव धमनियों में कई कारकों से होता है, इसमें से कुछ कारक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल जैसे किसी व्यक्ति में जेनेटिक हिस्ट्री होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को हार्ट अटैक होता चला आ रहा है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। जैसे बढ़ती उम्र नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। कोई व्यक्ति है, पुरुष होना अपने आप में बड़ा रिस्क फैक्टर है। इंडियन होना आजकल देखा गया है कि बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये रिस्क फैक्टर्स हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट जिन रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसे ज़रूर से हमें जानना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। जो सबसे बड़ा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो खून में ज़्यादा वसा का होना, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का होना सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा है तो आप में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि धमनियों में वसा का जमाव बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। दूसरा बड़ा कारक है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140-90 से ज़्यादा है तो उसमें वसा का जमाव तेज़ी से बढ़ सकता है। तीसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है शुगर की परेशानी होना, डायबिटीज़ मेलाइटस। शुगर के मरीजों में, ज़्यादातर मरीजों में जो वसा का जमाव 15 साल की उम्र से पहले हो जाता है, ये वसा का जमाव बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ज़्यादातर शुगर के मरीज 60-70% मरीज इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए अपने शुगर को नियंत्रित करने में, अपने अदर रिस्क फैक्टर्स को नियंत्रित करने में। ऐसे ही मोटापा, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि वसा के जमाव को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और इनको हम सही समय पे डायग्नोसिस बना करके, अपने चिकित्सक से मिल करके, इसके बारे में जान करके, इसको कंट्रोल करके इस वसा के जमाव को रोक सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं और आगे की बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में रहें और अपने रिस्क फैक्टर्स को जानें और उसे अच्छे से कंट्रोल करें।